नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सुभाष चौराहे पर कैब के खिलाफ शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन दिया। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कहा कि हम संविधान के मानने वाले हैं और संविधान के अनुरूप ही कार्य होना चाहिए। देखते रहिए रामजी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपको सहयोग करेगा इसलिए इनके भी घर के परिवार के लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इनको अपना दुश्मन मत समझिए। ये जब आप वायलेंस करेंगे तब एक्शन पे रिएक्शन होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी आंदोलन हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। कमरुल हसन सिद्दीकी, पूरा परमार। दुर्भावना से दूर रहे, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा। अशोक कुमार सिंह, पूर्व महासचिव हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन इलाहाबाद। क्या बात, नेताजी, हे नेताजी, आप बोलो। आज हम लोग नहीं नहीं, अरे यार, हे नेताजी, तुम बोलो। आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जामिया विश्वविद्यालय के में जो लाठीचार्ज हुआ था, लाइब्रेरी के अंदर बच्चियों को मारा गया, बाथरूम में बच्चियों को मारा गया, हम उस लड़कियों के सम्मान के लिए, चलो ठीक है लड़कों के साथ होता है और नारी का आप सम्मान करते हैं, उन बच्चियों के हाथ पैर तोड़े गए हैं, पूरे डैमेज किया गया है, लाइब्रेरी को किया गया है, हम लोग उसके विरोध में, और जो ये बिल लाया गया है उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ आज अपना शांतिपूर्ण ज्ञापन हम लोग दिए हैं। और हम लोग अपेक्षा करते हैं सरकार से कि अगर वो अपना बिल वापस नहीं लेती है, संशोधन बिल, तो हम लोग इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में जो है इसकी आवाज उत्पूर्ण करेंगे, सड़कों में जाएंगे, गलियों में जाएंगे और इस मुल्क को बचाने के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी हम करेंगे, करने के लिए तैयार है। परिचय दिए, परिचय। शमीमुद्दीन खान, एडवोकेट, हाईकोर्ट, इलाहाबाद। ठीक, हो गया, चलो। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।